नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू नई सुबह माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ट्यूटोरियल्स। मैं हूं अनम तारिक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इज ए पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर सॉफ्टवेयर सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक प्राइमरी एक ईमेल क्लाइंट है, लेकिन इसमें हम प्रोफेशनली बहुत सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि कैलेंडरिंग, कॉन्टेक्ट मैनेजिंग, टास्क मैनेजिंग एंड मैनी मोर थिंग्स। आपका क्वेश्चन होगा व्हाई नॉट जीमेल? जब हम जीमेल से ईमेल्स मैनेज कर सकते हैं तो क्यों आउटलुक? इसका आंसर है क्योंकि आउटलुक में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। सबसे पहले हम आउटलुक में ईमेल को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अभी ऑलरेडी एक ईमेल एडेड है, इसलिए मेरे पास इनबॉक्स ओपन है। अब मैं ऑल्ट एफ करूंगी। लेट मी मेंशन वन थिंग कि अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 यूज कर रही हूँ। यहाँ हम टैप करेंगे। Backstage view, info group box, account information, selected account combo box, tab, add account button, add an email account. Add account button पे space bar करेंगे. Space. Email address added. यहाँ पर हम वो email address type करेंगे जो कि हमें add करना है. इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर हमें Gmail का account यहाँ पर configure करना है तो सबसे पहले अपने Gmail में जाकर manage account में जाएंगे, फिर security tab और security tab में लेस सिक्योरिटी ऐप एक्सेस में जाकर उसको ऑन कर देंगे। इसके बाद हम आउटलुक में उस ईमेल को कॉन्फ़िगर कर सकेंगे, वरना एरर आ जाएगा। ईमेल एड्रेस टाइप करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आया, एडवांस ऑप्शन। इसमें जाने की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट कनेक्ट पे स्पेस बार। Page has one heading and six links. ये हमारे पास एक पेज ओपन हो गया। Tab accounts dialog. यहाँ मेरा ईमेल एड्रेस शो हो रहा है, टैप करेंगे। Tab next button. Next button पे space bar. Space. Enter your password. Password edit. यहाँ password enter करेंगे। Password enter करने के बाद tab. Tab sign in button. To act. Sign in पे space bar. Space. Down arrow कर रही हूँ। Unlabeled zip link by clicking allow link privacy policies. अब मुझे allow करना है। You can change this and other. Link account permission at any time. Allow button. Space. The button to activate. ये हमारे पास ऑप्शन आ गया डन। अगर हमें और कोई अकाउंट ऐड नहीं करना तो हम यहाँ पर डन पे स्पेस बार कर देंगे। Space. अब हम देखते हैं कि किस तरह से एडेड अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए फिर हम फाइल टैब में जाएंगे, ऑल्ट एफ। ऑल्ट एफ। मेन्यू इन्फो टू मूव थ्रू आइटम्स प्रेस अप। टैब। टैब। बैकस्टेज व्यू। यहाँ पर हमारे पास शो हो रहे हैं अकाउंट्स। मेरे तीन अकाउंट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। मैं यहाँ से एक अकाउंट रिमूव करने के लिए आपको बताती हूँ कि कैसे करते हैं। इस पे एंटर करूंगी। Enter. Backstage view. Info group box. Account information. Selected. अब टैप करेंगे। Tab. Add account button. Add any tab. Menu. Change settings for this account. Change settings for this account. Pay. Space bar. Space. Account settings. Dot dot dot. Hey. Account settings. Pay. Space bar. Space. Leaving menus. Email account. अब टैप टैप करके रिमूव करेंगे। Tab. Toolbar new tab. Toolbar repair. Dot tab. Toolbar change. Dot dot tab. Toolbar remove button. Space Microsoft Outlook dialog. Careful, if you remove this account, its offline cache content will be deleted. Learn how to make a backup of the offline .dust file. Do you want to continue? No button to activate. Press space. Yes button to activate. Press space. Account successfully remove हो चुका है। मिलते हैं next lesson के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए
या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।